हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे थे वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर नंबर 11 है। और चैप्टर नंबर 11 में हमने पार्ट वन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे, जैसे कि वर्क क्या है, फिर बाद में एनर्जी क्या है, एनर्जी किस किस फॉर्म में पाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका डेरिवेशन हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके टाइप्स हमने देखा। अभी हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू रेज इट बाय ए हाइट h। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है, और जिसमें g क्या होता है, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इट स्टेट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो उसको क्रिएट किया जाता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। और इसी को हम आगे जो ये प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको हम प्रूफ करके बताने वाले हैं। तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो करके मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इसको इस पर रहने दीजिए, मैं सेपरेट इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए पावर हम देख लेते हैं कि पावर है क्या, ठीक है, पावर क्या है वो देख लेते हैं। तो पावर क्या है, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज ए पावर, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज ए पावर। पावर पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपन टाइम। अब वर्क का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर अपन टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, एक तो यूनिट आप लिख सकते हो, एक यूनिट आप लिख सकते हो कि न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, और तीसरा क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वाट। ये तीन इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड एंड वाट, ये तीन यूनिट हम लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिट ऑफ पावर वही जो मैंने बताया कि यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड बोल सकते हो या वाट बोल सकते हैं या न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। वन वाट इज़ द पावर व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, मतलब एक जूल का वर्क डन हो एक सेकेंड में तो उसको बोला जाता है वन वाट का पावर लगा है, ठीक है। द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट एंड रिप्रेजेंटेड बाई किलो वाट। तो किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है। सम अनदर यूनिट टू मेजर पावर आर मेगा यूनिट एंड हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो होता है 746 वाट, और 1 मेगावाट में 10^6 वाट होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि 1 मेगावाट में 10^6 वाट होता है और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल विन जो कमर्शियली हम यूज करते हैं तो वो कैसे मेजर किया जाता है, वो चीज़ को मैं बताता हूँ। जैसे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। तो द यूनिट किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट ऑफ पावर सप्लाइड फॉर 1 आवर, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 आवर मतलब 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। इनको जब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 3.6 × 10^6 जूल हो जाता है। वाट और आवर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो जूल में आ जाएगा, वर्क डन हो मतलब वर्क हो जाता है, एनर्जी हो जाती है। अब वन यूनिट इक्वल टू क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 × 10^6 जूल जितना होता है वन यूनिट। वन यूनिट कितना होता है, 3.6 × 10^6 जूल होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट हमने देखे हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और देखिए मैं क्वेश्चंस भी दे देता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी क्वेश्चंस हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लें, कि ताकि आप इससे ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप खुद सॉल्व कर पाएँ, समझ पाएँ, और ख़ुद से इसके जो भी आंसर हैं उसको आप खुद ही लिखें, खुद ही अपने आप से लिखें कि क्या क्या आप अपने अपने रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप लिखें कि ताकि इससे रिलेटेड जितने भी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हों वो आप तक पहुंचाया जाए, आपको समझाया जाए, कि ताकि आप साइंस के मास्टर बन सकें।
देखिए यही तो पॉइंट मैंने आप समझा ही रहा हूँ, फिर बाद में और भी इसे रिलेटेड जो भी पॉइंट जुड़ी होगी वो भी उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ताकि आपको उसको भरपूर हेल्प मिल सके। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों को कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और हमारा मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।